बिग बॉस 14 निक्की तंबोली के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट बनते ही बढ़ गए दर्शक, बोले तूफानी सीनियर शर्म करो। बिग बॉस 14 का पहला इम्यूनिटी टास्क निक्की तंबोली ने जीत लिया है। बीते एपिसोड में तूफानी सीनियर्स के फैसले ने निक्की तंबोली को घर का पहला कंफर्म कंटेस्टेंट बना दिया। कंफर्म कंटेस्टेंट बनते ही निक्की तंबोली को बिग बॉस 14 के मॉल से खरीदारी करने का मौका मिला। ऐसे में निक्की तंबोली बहुत ही खुश नजर आई। अब निक्की तंबोली तूफानी सीनियर्स की टीम में शामिल हो गई। अब निक्की तंबोली तूफानी सीनियर्स सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान के फैसले से पहले सलाह दे सकेगी। ये बात जानकर निक्की तंबोली खुशी के मारे झूमती नजर आई। वहीं अब बिग बॉस 14 के फैंस को निक्की तंबोली का जितना रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि जो फैंस सोशल मीडिया पर निक्की तंबोली के साथ साथ तूफानी सीनियर्स को भी जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान ने निक्की तंबोली को जिताने के लिए भेदभाव किया है। एक यूजर ने इम्यूनिटी टास्क के बारे में बात करते हुए लिखा, सीनियर्स ने गलत फैसला लिया है। जब सीनियर्स ने टास्क सही से देखा ही नहीं तो वो किसी को भी गेम से बाहर कैसे कर सकते हैं। ऐसे में अगर रूबीना दिलायक पूरे घर वालों पर पानी डालती है तो क्या ये सीनियर्स सबको खेल से बाहर कर देंगे? निक्की तंबोली को जिताने के लिए इन सीनियर्स ने खेल खेला है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि किस तरह सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान निक्की तंबोली को सपोर्ट करें, जनता इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। फैंस के ऐसे रिएक्शन से साफ है कि सबको निक्की तंबोली की जीत में गड़बड़ नजर आ रही है। आप कमेंट करके बताएं कि आपका इस पर क्या कहना है। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।